गाइस तो कैसे आप लोग फ्रॉग योर नो बा गए कॉर फेस टू फेस चैलेंज रीस के साथ। गाइस आई थिंक के नोब मुझसे डर रही थी क्योंकि वो गाड़ी राउंड राउंड कर रही थी और उसको मेरी प्लानिंग्स का पता था कि मैं उसके पीछे जाने वाली हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी रोकी हुई थी और मैं गाड़ी को लेकर नहीं जा रही थी। तो वो डर गई थी। उसने लिए ओमनेस ओबे ओमनेस और मेरे पास है क्रोमा। तो लेट्स सी के कौन पहले पहुंचता है। बट ये कैसी ट्रैक है, कभी नीचे कभी ऊपर। मैं तो गाइस पहुंचने वाली हूँ। क्या बात है बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने ब्रेक मारा है आमा ट्रोमा को और मुझे लगा था मैं गिर जाऊंगी। नब को गिराते हैं और लोग तो गिर गई। मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, मैं भी गिरने वाली थी और बच गई। इस नब के चक्कर में मैं गिरने वाली थी बट थैंक गॉड कि मैं बच गई हूँ। बट इट्स ओके, नब को गिराने के लिए अभी मुझे कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। बात मैं उठा लूंगी। अच्छा गाइस ये एक अच्छा सीन बना हुआ है, मून वाली शेप बनी हुई है और हर बार ये कहाँ गई मैं। अब ये क्या है वही, जाने का रास्ता दो। अरे राव मिल गया रास्ता। थैंक यू सो मच कि रास्ता मिल गया है। मुझे लगा था मुझे रिस्पॉन करना पड़ेगा लेकिन मुझे पता था मैं रास्ता ढूंढ ही लूंगी। बात कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गई हूँ। बात इसको गिराएंगे, नुप को गिराते हैं, नुप को जोर जोर से गिराते हैं, जोर जोर से। चली गई नुप, तू मेरे से पंगा नहीं लिया तूने है, डर लग रहा था तेरे को, डर लग रहा था है भाई, डर लग रहा था, डरती है तू, डर फोक है तू नुबड़ी। ओ गाइस नुबड़ी ने रिस्पॉन मारा, आई थिंक वो गिर गई थी और अब मजा आएगा। ओ माय गॉड इतना ज्यादा मुश्किल आ रहा है। फुल टाइम दो चुड़ैले रेस दे रही है और मुसलसल रेस दे रही है। नुब की ओमनेस खतरनाक है और मैंने अपने आप को बचा लिया। क्या बात है, मैं गिर जाती ना तो बहुत बड़ा नुकसान होता बिकॉज मैं पीछे से आई थी और नुब का तो कोई नुकसान नहीं था, वो तो रिस्पॉन करके वापस से जा सकती है। मेरी तीसरी गाड़ी है और वो पहली गाड़ी लेकर जा रही है जब से ओमनेस। वैसे ओमनेस गाड़ी बुरी नहीं है बट बुरे हाथों में चली गई है, तो मुझे लग रहा है कि अभी उसने गाड़ी को बदनाम कर दिया। वेल मैंने गाड़ी सच पर्सनली बता रही हूँ, मैंने अभी तक फेस टू फेस में ओमनेस गाड़ी को यूज़ ही नहीं किया। अगरचे वो नॉर्मली आ जाती है और वो फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर तो लेनी पड़ती है, लेकिन जो गाड़ियाँ चूज़ करके लेनी होती है उसमें से मैंने ये गाड़ी कभी नहीं चूज़ की। इसके अलावा जो होती है मैं चूज़ कर लेती हूँ चाहे वो कितनी भी बकवास हो। बट मैंने नुब के मुँह से सुना है कि ये बहुत अच्छी है, खुद से मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो कभी लूँगी मैं किसी ट्रैक के अंदर और फिर नुब को इसमें हरा कर दिखाऊँगी। चाहे नुब उसके अंदर अच्छी गाड़ी भी ले लेगी ना, मैं तब भी नुब को हरा कर दिखाऊँगी। मैं भी नुब को गिराया ना, मज़ा आ गया। बट मेरी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और नुब को मैंने इतना एंड में गिराया ना, ऐसी कोई जली होगी ना उसकी, ऐसी कोई जली होगी, मज़ा आ गया होगा। वेल मैंने अपनी गाड़ी डिलीवर कर दी है और ये मेरी फोर्थ गाड़ी है, नुब पहली गाड़ी लेकर आने वाली है, तो कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है ट्रैक ऐसी ही होनी चाहिए, जितना ज़्यादा आपको लगता है आपके लिए मुश्किल काम है, आपके लिए लेंथी हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा भी आता है खेलने में। और अभी ये मुझसे बच के चली गई कैसे, क्योंकि वो उस तरफ से आ रही थी और मैं जा रही थी तो काफ़ी मुश्किल वाला सीन था। तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं, एक बार तो डिलीवर करने ही देते हैं। बेचारी क्या सोच रही होगी कि मैं ट्रैक पे जीतने के लिए आती हूँ और हमेशा हार के चली जाती हूँ। क्या है ऐसा फ्रॉगी के अंदर जो फ्रॉगी जीत जाती है, या कभी कभी नुब भी जीत जाती है, ऐसी बात नहीं है। वेल गाइस आप लोग चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो। हमारे साथ खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आपने कंप्लीट वॉच करना है, आप उसे वॉच करते हो। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है हमारे क्रू को फॉलो करने के लिए, तो उसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप हमारी फैमिली भी इस चैलेंज का हिस्सा बन सकते हो। वेल गाइस आप अगर मुझे सपोर्ट करते हो और आपको लगता है मेरी गेम अच्छी है तो रेड हार्ट दे सकते हो, मेरा फेवरेट कलर है। और अगर आपको लगता है नुब की गेमिंग अच्छी है या नुब आपको वैसे अच्छी लगती है नॉर्मली उसका नुबपन अच्छा लगता है तो आप उसके लिए येलो हार्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपनी पसंद के हार्ट्स कलर में दे सकते हो, ठीक है। मल्टी कलर्स देना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा रंग होते हैं ना जिंदगी में उतना खुशियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो फ्री में आपने कमेंट करना होता है, उससे कोई चार्जेस नहीं होते ना, नेट पे आपको बिल लग के आना होता है, तो बस कमेंट सेक्शन भर देना क्योंकि वो स्पेशली
वो एक स्पेशल ऑप्शन होता है जो कि स्पेशली पब्लिक के लिए होता है, तो यूज़ किया करो, फ़ायदा उठाया करो और बताया करो अपनी दिल की बातें, और कुछ भी बता दिया करो गेम से रिलेटेड, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन का फ़ायदा उठाओ, ऐसे ही यूट्यूब को आपके लिए बनाया है तो उसको यूज़ में लो। खामखा अपने पैकेजेस जाया करते हो इंटरनेट के, कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियोस को, एकदम फ्री होते हैं, शेयर करो वो भी करना फ्री होता है, ठीक है? तो ये काम करना नहीं भूलना है आप लोगों ने। और मेरी एम्बुलेंस गिर ना जाए, मैं डर रही थी, नुब वैसे भी गिरा देती क्योंकि नुब के पास हैवी गाड़ी थी और मुझे कह भी रही थी कि मैं गिरा दूंगी। मैंने कहा चल जा, मैं तेरी सिर्फ पीछे से ना पक पक सुन लेती हूँ, वो भी बहुत है, ना सुनूंगी तो ज़्यादा बेटर है। कहीं नुब को ना मैंने एक टक्कर मारी है और नुब बच के जा नहीं सकती, और नुब थर्ड गाड़ी लेकर जा रही है, क्या बात है। और अब तो गिरेगी ना, अब तो गिरेगी ना, गिर जाना, गिर गई मैं जब भी किसी, हुई मर भी गई, गाड़ी भी फट गई। मज़ा आया होगा नुब को, अच्छा खासा मज़ा आ गया होगा। वेल कोई बात नहीं, आ जाएगी दोबारा से रिस्पॉन करके, तब तक मैं अपनी ट्रक लेकर जाती हूँ, अपनी ट्रक लेकर जाती हूँ। वैसे नुब तुझे मज़ा आ रहा होगा ना, कितना मार खा रही है तू, कितना कब सुधरेगी तो है, कब मुझे मारेगी? देख तेरे पास खुला चांस है, फुल अपॉर्चुनिटी है तेरे पास, तो मुझे मार सकती है। मैंने तुझे नहीं रोका है, तेरा हाथ भी नहीं पकड़ा है, तेरा कंट्रोलर तेरे हाथ में है, जितना दिल चाहे मुझे मार, कोई टेंशन वाला सीन नहीं है, बस मारने का दम रख, दम रख, दम मारो दम। ओके यस, तो गाइस मैंने अपनी बग्गी को प्यारते प्यारते डिलीवर कर दिया, प्यारते प्यारते, प्यार से नहीं, प्यारते प्यारते मारते उछालते उछालते डिलीवर कर दिया। बस शेप अच्छी है देखने के हिसाब से ट्रैक की, बट बार 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 बच गई, इतने वड्डे वड्डे जंप मार के मुझे ऐसा लगा था बहुत जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन थैंक गॉड कि मैं बच गई हूँ। ओके सफल सिखा। अब आई थिंक गई नुब का और मेरा, अब वो फेस टू फेस असल चैलेंज स्टार्ट हुआ है, बिकॉज अब वो मेरे सामने है और मैं उसके सामने हूँ, आमने सामने का मुकाबला है ये वाला सीन है। नुब मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, ठीक है? दोनों के बीच में ना सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी दूरी है, ठीक है? अब जब पास आएंगे ना तो फिर आपस में लड़ते ही हैं हम, और नुब को अच्छे से पता ही है। वेल, मुझे लगा था मेरी गाड़ी गिर जाएगी, नहीं रे, बट लास्ट वाला जो जंप होता है ना, जब हम ट्रैक के इधर जब आते हैं ना, ये वाला बड़ा खतरनाक है, बिकॉज गाड़ी कहीं भी जा सकती है और डर लगता है कि गाड़ी गिर ना जाए, तो इसीलिए बड़ा डर लगता है। भैया जी गाड़ी को लेन डी करवाने पड़ता है, और ये कौन सी ननी मुनी गाड़ी है, अगर नुब से मार खा के आई तो फिर मैं बहुत गुस्सा दिखाऊंगी, समझी समझी का गाड़ी समझी का गोभी बाबू बाहर निकाल के आ रहा प्लीज नुब से, नुब को गिराने का और सिर्फ गिराने का, वरना गाड़ी की खोपड़ी उड़ा दूंगी मैं, खोपड़ी खोपड़िया उड़ा दूंगी। अरे जल्दी कर रोड़, आ गई आ गई आ गई आ गई, ओमनिस लेके आ गई। वैसे मैं इसको मार दी, लेकिन ठीक है मेरे पास छोटी गाड़ी है, ओमनिस गाड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि बुरी है, बट बुरे हाथों में है तो इस वजह से अच्छी है। वैसे गाइस कमेंट सेक्शन में बताना आपने ओमनिस यूज की है या नहीं यूज की है, कि ये तो कितनी अच्छी गाड़ी है, बस मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मेरी एक्साइटमेंट बढ़े उसे खरीदने की, तो मैं GTA में उसे पर्सनली आप लोगों के कहने के ऊपर खरीदने वाली हूँ। अभी तक मैंने खरीदी नहीं है, तो आप लोगों के कहने पे खरीदूंगी, फिर उसे रोज़ाना चलाऊंगी, क्योंकि मैं जो भी गाड़ी परचेज करती हूँ नई, तो मैं उसे करीबन 1 मंथ तो रोज़ चलाती हूँ और अपनी रूटीन में लेती हूँ, बार बार चलाती हूँ, बार बार चलाती हूँ, ताकि मुझे उसकी गाड़ी की हैंडलिंग का पता चले, गाड़ी कैसी है, अच्छी है नहीं है, ऑफ रोड पे कैसी चलती है, नॉर्मल रोड पे कैसी चलती है, तो उसका अंदाज़ा मुझे काफ़ी अच्छे से होता है नॉर्मल GTA वर्ल्ड में घूमने पे। ठीक है ट्रैक्स के ऊपर मज़ा आता है, बट जो रियल में गाड़ी को आपने टेस्ट करना है ना, वो नॉर्मल रोड्स पे, ऑफ रोड पे, जंगल में, इधर उधर सब जगह लेकर जाओ ताकि आपको पता चले। तो जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन भर दो अगर चाहते हो कि मैं ओमनिस खरीदूँ और पर्सनली चला कर टेस्ट करूँ, और उसके ऊपर फीडबैक भी दूंगी गाइस आपको, अगर आप चाहोगे तो एक वीडियो बना कर दूंगी, ठीक है? बाकी नुब के हाथों में तो नुब को लग रहा होगा कि बकवास गाड़ी है, बट अच्छी गाड़ी है, कसम से अच्छी होगी मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब जब नुब ने मेरे साथ उसके साथ पंगा लिया है ना, जब जब ओमनिस महंगी और भारी गाड़ी पड़ी है मुझे, तो इसलिए ट्राई नहीं की, बस ट्राई करेंगे करेंगे।
क्योंकि ना आपकी दी ना बड़ी मस्त मस्त गाड़ियां चलाती है, लाइक ज्यादातर मुझे क्रीगर, आलमेट क्रोमा, डिवास्टे, एक्सेट प्रोटो, ये सारी गाड़ियां मेरे पास गैराज में खड़ी हैं, तो मैं इन्हीं को चलाती हूँ और रेगुलर 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 चलाती हूँ, तो इसीलिए जो मेरे पास विनिंग फ्लैग आ गया ना, मुझे तो पता भी नहीं था। डब तो हारने वाली है, डब तेरा क्या होगा अब कालिया, तेरा क्या होगा डब, तेरा क्या होगा डब, बोलेगी फ्रॉगी ये कंट्रोलर मेरे हाथ में दे दे। डब को लगता है मेरे कंट्रोलर का कमाल है, बट नहीं बेटा, स्किल्स भी कोई चिड़िया होती है। अरे चुड़ैल ऊपर खड़ी हुई है, ओए अल्लाह दो ऊपर क्यों खड़ी है, तो गाइस दो बिना ऊपर खड़ी हुई है और अच्छी गाड़ी होगी उसके पास यकीन है, ओए ट्रक लेके खड़ी हुई है भाई, ट्रक लेके खड़ी हुई है, तो ये मुझे गिराना चाहती है, बट मैं भी इसको बच के दिखाऊंगी, देख बेटा तू। यस यस, ये गलती जो तूने की है ना नब, अब तो सारी जिंदगी याद रखेगी, सारी जिंदगी। और गाइस ये मेरी फुल एंड फाइनल गाड़ी होने वाली है और मजा आ गया, अब तो तुझे छोड़ूगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूगी नहीं, मैं तेरे को दाग में चने चबवा दूंगी। अरे चुड़ैल की शक्ल ही रहेगी तू हमेशा, बग्गी की बच्ची सारा धुआं निकाल दिया, कैसे जाएगी। तो इसको मैंने रिवर्स किया क्योंकि वहां पर इसकी ताकत खत्म हो गई थी, क्योंकि ऊंचाई थी, आपको पता ऊंचाई पे बहुत कम रह जाती गाड़ियों की ताकत, चल नहीं पाती है। और ऑफ रोड गाड़ियां होती फिर तो वो चलती हैं, क्योंकि वो तो बनाई इस हिसाब से जाती है कि ऊपर भी चढ़ सके। ये क्या था, ये क्या था। तो गाइस बहुत गंदा सीन हो गया है और क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं कि बग्गी को लगा कांटा, लगा बग्गी को और खतरनाक तरीके से फट गई है, फट फट कोई बात नहीं, मेरी लास्ट गाड़ी है और मुझे बग्गी के बच्चे मरेगी क्या फिर से, मेरी आ गई फिर यहाँ आ गई ये बग्गी, चुड़ैल तू चुड़ैल है बग्गी, नीचे हुई आराम से फटियो मत, फटने का नहीं। ओके तो नुब बेचारी नुब को मैंने बड़ा ढूंढा बड़ा ढूंढा बड़ा ढूंढा पर नजर नहीं आ रही गाइस, आई थिंक नुब ना पुल के ऊपर है, मतलब ब्रिज के ऊपर है मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं नुब को पकड़ नहीं सकूंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ नुब है तो सही, बट ट्रैक पे नजर नहीं आ रही है, तो वो ऊपर की तरफ थी पुल, पुल वाली साइड पे, पर आप देख रहे हो कितना मस्त विनिंग फ्लैग देख रहे हो आप गाइस, देख रहे हो ना आप लोग, जल्दी जल्दी से अपनी दी के लिए रेड हार्ट दे दो कमेंट सेक्शन में, आपकी दी जीत चुकी है। वेल अब नुब को एक्सपेक्टेड किया है, नुब लेकर जा रही है बग्गी, जीतने वाली बग्गी तो नहीं है ये, जो सेकेंड टाइम बग्गी आएगी वो नहीं है ये, क्या बात है भाई क्या बात है भाई, डूब के तशन चेक किया आपने, क्या ब्रेक मारी है, मुझसे सीख रही है ना कॉपी कर करके। तो गाइस आपकी दी विन हो गई है और नुब हार चुकी है, विनिंग जो स्नुब के लिए था और नुब का हो गया डीएनएफ। आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेक केयर एंड बाय।